चंडीगढ़ नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन ने शनिवार को निगम के खिलाफ आंदोलन को एक बार फिर छेड़ दिया। अब की बार इस आंदोलन की वजह कलाई की घड़ियां हैं। आप सोच रहे होंगे कि घड़ियों के खिलाफ क्या विरोध। जी हां, निगम ने सफाई कर्मियों को 24 घंटे घड़ियां बांधने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है इन घड़ियों का किराया भी लाखों में है, जबकि सफाई कर्मियों का कहना है कि निगम के पास उन्हें तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, लेकिन ये फालतू का खर्चा उठा सकता है। इस संदर्भ में अर्थप्रकाश संवाददाता ने सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान कृष्ण कुमार चड्डा से बात की। चलिए जानते हैं इस आंदोलन को लेकर क्या बोले कृष्ण चड्डा। देखें चंडीगढ़ से अजय चौधरी की यह रिपोर्ट। यहाँ मोटर गैरेज पे मेरे भाई ड्राइवर के पास, हेल्परा के पास पूरी यूनियन आई है। क्यों? हमेशा ही 32 यूनियन है, इकट्ठे होके हम लड़ाई लड़ते हैं। जो घड़ी ये कमिश्नर साहब ने घड़ी बांटी है, MOH ने बांटी है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, तो घड़ी काम थोड़ी करेंगे। इनके लिए आज पूरी यूनियन, ड्राइवर यूनियन, मेरे साथियों, इसलिए आज रिक्वेस्ट करने आए थे ड्राइवर से, भाई हमारे साथ नजाज हुई है, ये घड़ी काम थोड़ी करेंगी। इंसान ने ही काम करना, सफाई कर्मचारी काम न करना है, ड्राइवर ने काम करना है, हेल्पर ने काम करना है। इसका विरोध बिल्कुल करते रहेंगे। हमने हड़ताल 21 तारीख की पूरा शहर में हर सेक्टर में जाके, हर अजरी में जाके, हर कॉलोनी में जाके हमने बिल्कुल ये संघर्ष करना है और बिल्कुल शहर को नरक बना देना है। ओमपाल चावर जी, आप ये बताइए, जो आपकी आज की मीटिंग थी, इसको लेके आपका क्या नगर निगम के लिए प्रति क्या उद्देश्य? हाँ, हम इसलिए ये पूरे शहर में तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमारे कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लग रही है, जो है हम वहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। बता रहे हैं भाई, 21 अगस्त को काम छोड़ हड़ताल जो है का आयोजन जो है हमने यूनियन द्वारा किया है। पूरे शहर में हम काम छोड़ेंगे, काम बंद करेंगे, इसलिए करेंगे कि जो हमें 15वां मजदूर बनाने का काम यहाँ का नगर निगम हाउस, नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं, इसका डट के हम विरोध करेंगे। क्योंकि घड़ी जो लागू कर रहे हैं, ये 15वां मजदूर बनाने का एक जो है एक टीचा है इन लोगों का, भाई इनको 15वां मजदूर कैसे बनाया जाए। ये लोग नहीं चाहते कि ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ये लोग नहीं चाहते कि अच्छा कपड़ा पहने, ये लोग नहीं चाहते कि इनका रहन सहन अच्छा हो। साथियों, अभी प्रधान जी ने बताया, किशन चड्डा जी ने, कि इनके पास घड़ी के अमाउंट जो 18 लाख रुपए प्रति माह जो है देने का काम करेंगे नगर निगम हाउस, वो कहाँ से दिया जाएगा? 2 महीने से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली। इनको ये नहीं मालूम जो रात दिन मेहनत करता है कर्मचारी, उसको तनख्वाह भी दी जाए, लेकिन यहाँ के नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने, नगर निगम हाउस ने 18 लाख प्रति माह जो किराया रेंट घड़ियों का है, ये कहाँ से होगा? और एक तो हालात, नगर निगम की वित्तीय हालात बड़ी कमज़ोर है और पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए, लेकिन घड़ी के लेने के लिए कहाँ से आएंगे? तो इसका हम डट के विरोध कर रहे हैं। भाई, हमें घड़ी नहीं चाहिए। जैसे काम चल रहा है, अब आज देख लिए 500 टन कूड़ा शहर से कहाँ कौन पचा रहा है? सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं तभी तो 500 टन कूड़ा जो है गैरेज वहाँ पर जाता है, डंपिंग ग्राउंड पर। लेकिन ये बताइए, क्या घड़ी कूड़ा पचाएंगी वहाँ पर? पचाएंगी घड़ी? अरे, काम ही मेहनती जो है काम करेगा, इंसान ही काम करेगा, कर्मचारी ही काम करेगा, झाड़ू मारेगा, कूड़ा बीन बीन करके गाड़ियों में डालेगा और कूड़ा वहाँ पर जाएगा। लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं 15वां मजदूर बने। ये सरकार चाहती है 15वां मजदूर की नीति, के 15वां मजदूर बनाए, दलितों को और ज़्यादा से ज़्यादा कुचला जाए। लेकिन हमारे दमंग नेता श्री कृष्ण कुमार चड्डा जी इसका, और हमारी पूरी टीम, हमारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, हमारी 32 यूनियन है, हमारे साथ ट्रेड यूनियन है जो है ना, इसका समर्थन कर रही है और उस दिन डट के मुकाबला करेंगे जो है 21 अगस्त को जो है ना पूरे शहर में जो है इसको बंद करेंगे शहर को। धन्यवाद। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।